नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विंडोज़ 7 को विंडोज़ 10 में कैसे अपडेट करेंगे, बट आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विंडोज़ 10 के नए अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विंडोज़ 10 के जितने भी ओल्ड वर्जन हैं उसको हम इसके लेटेस्ट वर्जन जो कि मई 2020 अपडेट है में कैसे अपग्रेड करेंगे, तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो अपग्रेड करने का दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोनों में से किसी भी मेथड को फॉलो करके आप विंडोज़ अपग्रेड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इन सारे प्रोसेस को लैब में। तो मेथड वन बहुत ही सिंपल है, आपको गूगल में आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है विंडोज़ 10 डाउनलोड्स एंड इसको सर्च कर लेना है, एंड ये फर्स्ट साइट जो खुल के आएगी माइक्रोसॉफ्ट की उसे ओपन कर लेना है। वैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल है विंडोज़ 10 मई 2020 अपडेट। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ से एक टूल डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आप अपडेट नाउ यहाँ पर क्लिक करें, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक टूल डाउनलोड होगा। तो इसे ये टूल डाउनलोड हो चुका है, तो इस पर राइट क्लिक शो इन फोल्डर, अब इस पर राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके लॉन्च करना है इस टूल को। तो देख सकते हैं ये टूल लॉन्च हो चुका है। तो अब यहाँ से आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आप देख सकते हैं ये अपग्रेडिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये था मेथड वन जो कि बहुत ही सिंपल था। तो ये जब तक 100% होगा तब तक आपको वेट करना है। तो मेथड टू भी बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको विंडोज़ 10 का ISO फाइल डाउनलोड करना होगा। तो पहले आपको गूगल में आ जाना है ना, आपको सर्च करना है विंडोज़ ISO डाउनलोडर एंड इसको सर्च कर लेना है, जो और जो फर्स्ट साइट खुल के आएगी उसे ओपन कर लेना है। वैसे मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो। सो यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ ISO downloader.exe, तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, इस टूल को डाउनलोड कर लेना है। सो आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है। तो अब इसे पे राइट क्लिक शो इन फोल्डर, अब इसे यूज करने के लिए राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके लॉन्च करना है। तो ये विंडोज़ ISO डाउनलोडर टूल हमारा लॉन्च हो चुका है। तो आप इस टूल के थ्रू विंडोज़ का कोई भी वर्जन या MS ऑफिस भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसमें एक ड्रॉबैक ये है दोस्तों कि इसे आप इस टूल का मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं, हमें विंडोज़ 10 का ISO डाउनलोड करना है। तो मैं विंडोज़ 10 यहां से सिलेक्ट कर ले रहा हूं। एंड फिर आपको यहाँ से एडिशन सिलेक्ट कर लेना है विंडोज़ का एडिशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट एडिशन अवेलेबल है, इनमें से आप कोई भी एडिशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें या आपको लेटेस्ट विंडोज़ 10 का लेटेस्ट एडिशन जो कि मई 2020 अपडेट है इसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर ले रहा हूँ होम एंड प्रोफेशनल एडिशन। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरा विंडोज़ 10 प्रोफेशनल एडिशन है एंड 64-bit का OS आर्किटेक्चर है। तो यहां से एडिशन सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है, फिर आपको यहां से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। तो लैंग्वेज मैं इंग्लिश इंटरनेशनल ही रख रहा हूं, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब यहां से आप 32-bit का डाउनलोड करना चाहते हैं या 64-bit का, तो जैसे कि मेरा विंडोज़ 64-bit का है तो मैं यहां से 64-bit का ISO डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करें एंड यहां से क्लिक ऑन सेव, यहां पे सेव पे क्लिक करना है एंड आपको यहां से डेस्टिनेशन सेट कर देना है जहां पे स्टोर करना चाहते हैं एंड ओके कर देना है। तो ये डाउनलोडिंग देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है ये डाउनलोड, और ये डाउनलोडिंग माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से ही हो रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये डाउनलोड होने में टाइम लग सकता है, 5GB की अप्रोक्स ये फाइल है, तो डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट का स्पीड क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है विंडोज़ 10 2004। तो इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले माउंट करना होता है, माउंट करने के लिए राइट क्लिक एंड माउंट, एंड जैसे ही आप माउंट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक वर्चुअल CD ड्राइव में इसे माउंट कर देगा। फिर आपको इसे यूज़ करने के लिए इस setup.exe को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके लॉन्च करना है, तो राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आपको यहाँ पे चेंज हाउ विंडोज सेटअप डाउनलोड्स अपडेट, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट है उसे डिफॉल्ट ही रहने देना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। गेटिंग अपडेट्स, चेकिंग योर PC, वी आर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी,
एंड यहाँ से लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, गेटिंग अपडेट्स। ओके, यहाँ से सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है आपको। ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन आ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स। तो इसका मतलब है कि सी ड्राइव में जो भी फाइल्स है या जो भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है वो सारा का सारा एज इट इज़ रखना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन फर्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑप्शन टू है कीप पर्सनल फाइल्स ओनली। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ फाइल्स रखना चाहते हैं और जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन है नथिंग, अगर आप कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, ना कोई फाइल्स ना कोई एप्लीकेशन, तो ये थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो और दोस्तों मैं बता दूं, इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सी ड्राइव के अलावा किसी भी ड्राइव को इफेक्ट नहीं करने वाली है, ओनली सी ड्राइव को इफेक्ट करेगी। तो मैं यहां से फर्स्ट ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं कि पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, क्योंकि मुझे एप्स भी एप्लीकेशन भी रखना है एंड वो फाइल्स भी रखना है। फिर से एक बार ये आएगा तो आपको फिर से इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ओके, तो देख सकते हैं विंडोज़ 10 अपग्रेड हमारा स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि जब मेथड 1 इतना सिंपल है तो मेथड 2 क्यों ट्राई करूं? तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मेथड 2 इसलिए क्योंकि मेथड 2 में आपका विंडोज़ 10 का ISO फाइल डाउनलोड हो जाता है, जो कि फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।